हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यार आ चुके एक और नई मेरे साथ। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस, पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था यार कि मैंने एक अनलिमिटेड जो फिश फार्म बनाए थे वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थे, और आप लोग यार दबा के सपोर्ट किए थे। फिर भी यार ऐसे नहीं, मतलब अभी यार तो आप लोगों ने 100+ व्यूज़ करा दिया, 200+ व्यूज़, तो काफ़ी ज़्यादा मज़े आए। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना जो भी चैनल पर नए हो। तो देखो, आज हम लोग एक मॉब एक्सपी फार्म बनाने वाले हैं जो कि काफ़ी बड़ा होने वाला है। यहाँ पे ये जो एरिया है हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइस यार इसी के साथ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि आप लोग रोज़ाना देखने को ऐसी ऐसी वीडियो मिल जाए। तो गाइस यार चलो, जो जो सामान है मैं वो सारे के सारे सामान ले लेता हूँ। तो और यार यहाँ पे सारे के सारे सामान वगैरह लेके आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पे यार आप लोगों को होल करना है, ठीक है। यहाँ पे 4x2 का होल करना है, एक इधर करना है और एक इधर का करना है। उसके बाद देख सकते हो आप लोग 2x2 का होल कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यार, आप लोगों को दो चेस्ट प्लेस करने हैं इस टाइप से, और ये लार्ज चेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एक और चेस्ट आप लोग को यहाँ पे इस टाइप से पुट कर देना है। उसके बाद आप लोगों से मिली क्या करना है यहाँ पे यार, आप लोगों को लगाना है हॉपर्स, लगाने हैं 4 हॉपर्स लगाने हैं इस टाइप से, जो कि ये सीधे सीधे चेस्ट को कनेक्ट होता रहेगा। आप लोगों को सिंपली इसको सिर्फ और सिर्फ चेस्ट के थ्रू ही कनेक्ट करना है, एक दूसरे पे कनेक्ट मत कर देना, वरना फिर यार गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे चेस्ट पे करना ताकि यार जितने भी आइटम्स है वो डायरेक्टली चेस्ट में जाए, तो यार सामान सिर्फ चेस्ट में जाए और ना कि बाहर आ जाए। तो यार सिंपली आप सभी को यहाँ पे 4 पे स्लैब लगाना है इस टाइप से, 1, 2 और 1, 3 और 4। तो यार आप लोग जो भी सामान किसी के ऊपर अगर लगाना चाहते हो, तो बेसिकली आप लोगों को सिंपली सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्राउच करके सामान लगाना, वरना अदरवाइज आप लोग का सामान लगेगा नहीं। ये बात आप लोग याद रखना, आप लोग क्राउच करके लगाना। आप लोग मोबाइल वर्जन खेल रहे हो तो, या फिर यार मेरे को पीसी का पता नहीं, मैं क्योंकि यार कंप्यूटर्स वगैरह पे मेरे को पता नहीं है सिस्टम पे क्या है। तो यार सिंपली मैं यहाँ पे बता रहा था आप लोगों को। तो यार देखो सिंपली क्या करना है आप लोग को यहाँ पे, ऐसे बेवकूफ़ी मत करना, मैं यार ये पता नहीं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो सिंपली इस टाइप से आप लोग को कॉबल स्टोन रख देना है, और नीचे वाला जो है प्लेटफॉर्म वो आप लोगों को तोड़ देना है, और इसके अराउंड भाई आप चारों तरफ आप लोगों को यार कॉबल स्टोन इस टाइप से निकाल देना है, जिस टाइप से मैं कर रहा हूँ। सिंपली आप लोग, यार गलत लग गया, एक सेकेंड, आप लोग इस टाइप से मत कर। तो यार सिंपली देखो आप लोग इसके चारों साइड से ऐसे करना है, ताकि यार आप लोग जब एनिमी को हिट करो तो उस टाइम यार आप लोग इस टाइप से कर सको, ठीक है। ये चीज़ मैं नीचे से भी कर सकता था, मैं ऊपर क्यों चढ़ा, मैं क्या कर रहा हूँ। तो खैर यार यहाँ पे बेवकूफियत होते रहेगी, फिलहाल के लिए इसको पूरी तरह से पैक कर देते हैं। ऑल राइट, ये हो चुका डन। अब यार सीधे ये जाएगी 22 ब्लॉक्स ऊपर, तो 22 ब्लॉक्स हम लोग ऊपर जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मजा आता है। तो यार यहाँ पे आ चुके, अब यहाँ से चले 22 ब्लॉक्स ऊपर। ये 1 था और ये रहा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21, ये हो गया, ठीक है, और ये 22। तो ये 22 हाइट आप लोगों को ऊपर आ चुकी है। तो इसी के साथ यार चारों तरफ करना है, मैं यार से नीचे नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि यार मैं MLG में प्रो वगैरह तो हूँ नहीं, इसलिए यार मैं अभी इसी टाइप से जाने वाला हूँ। तो यार अभी चारों तरफ इसी से करते हैं। तो आप लोग जस्ट यार यहाँ पे बने रहो वीडियो में, इसको पूरी तरीके से चारों तरफ से हम लोगों को 22 ब्लॉक्स ही लेना है। तो जस्ट आप लोग देखो, इसको करते हैं फिलहाल के लिए। और इधर यहाँ पे ये हम लोगों ने डन कर दिया। अब उसके बाद सिंपली क्या करना है, ये जो दो साइड आप लोग देख रहे हो सामने की तरफ, यहाँ से आप लोग को 8 ब्लॉक आगे जाना है। 1 ये कर दिया, 2 ये हो गया, आप देखो यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 1 और ये 2, हाँ 2 ये, यहाँ पे 3 ये हो गया, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है। विजिबिलिटी इसकी थोड़ी सी जा रही थी, पता नहीं कैसे, ये क्या ही ग्लिच है माइनक्राफ्ट के, जो अभी मैं अपडेट करने वाला हूँ इसको, यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यार ये देखो आप लोगों को सिंपली यहाँ से इस टाइप से लाना है, और यहाँ पे इसको कैंप कर देना है, ठीक है। तो यार ये आप लोगों को चारों साइड से करना है, तो देखो इसको हम लोग चारों साइड से करते हैं।
तो यार आप सिंपली देखो, मैं यहाँ पे इसलिए आऊँ क्योंकि मैं आप सभी को बताऊँ, ये जो आठवां ब्लॉक है उसके बाद नौवां ब्लॉक आप लोग को एक और कर लेना है, उसके बाद इधर ले लेना है, और यहाँ पे यार आप लोगों को इस टाइप से एक वॉल क्रिएट कर देना है, ठीक है, ताकि जो भी अगर हम लोग वाटर का सोर्स करें तो यहाँ से बह करके नीचे की तरफ जाए तो वो वाला भी बाय हम लोगों को बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को कर लेना है, इसके बाद यार इसको पूरी ऐसे करना है। तो कैसे मेरे को 2 मिनट दो, मैं चारों तरफ इस टाइप से कर करके और ये जो ब्लॉक वाला है वो मैं लगा करके आप लोगों से मिलता हूँ। तो सिंपली ये चीज़ हो चुका है डन। अब हम लोग क्या करना है यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आना, इसको भाई एक और ब्लॉक देना ताकि ये भाई यार 2 ब्लॉक का हाइट हो जाए, ठीक है। तो इसकी हाइट हम लोग को 2 ब्लॉक देनी है, चारों तरफ जाएगा। तो जस्ट यार इसको भी क्लियर कर लेते हैं, फिर आप लोगों को मिलते हैं तुरंत। भाई देखो थोड़ा थोड़ा देर के बाद यार ये मैं जो करना पड़ रहा है, तो चलो यार 2 मिनट टाइम दो, मैं इसको भी कंप्लीट करके आप लोगों से मिलता हूँ। और यार ये चीज़ डन करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं दोबारा से। तो यार देख सकते हो यहाँ पे भी कितना मस्त लग रहा है, 2 ब्लॉक का हाइट मैंने कर दिया। उसके बाद आप सभी देख सकते हो यहाँ पे जो 4 का एरिया ऐसे दड़ा टाइप में, तो हम लोग को क्या करना है, सिंपली यार इसको पूरी तरीके से हम लोग चारों तरफ से कवर कर देंगे, पूरा एक प्लेटफॉर्म टाइप का बना देंगे। तो चलिए यार उस प्लेटफॉर्म टाइप वाले को करके दिखाता हूँ कि मैं किस टाइप से कर रहा हूँ, उसके बाद आगे फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भाई यार इस टाइप से आप लोग को करना है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हो एक साइड का इस टाइप का वॉल बन चुका है, अब यार तीनों साइड से मैं इसी तरीके से करने वाला हूं, ठीक है। तो यार जस्ट ये जो प्लेटफॉर्म मैंने बनाया अभी इस टाइप से या चारों तरफ तीनों तरफ से बनाया, क्योंकि ऑलरेडी एक साइड से मैंने बना चुका था, तो यहां से ऐसे सिंपल आगे जाएंगे, उसके बाद धीरे से ऐसे करके पूरे साइड में लगाएंगे। तो यार 2 मिनट दो, इसको भी कंप्लीट करके आप लोगों से मिलता हूं, काफी ज्यादा मजा आएगा। तो यार जब तक देख रहे हो तब तक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हाँ यार ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और हाँ यार फार्म तो आपने बहुत ही अच्छी से चलेगी, आप लोग भी यार जस्ट देख करके अच्छे से बनाना यार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं 2 मिनट के बाद, एक्चुअली 2 मिनट नहीं यार मेरे को बहुत टाइम लगेगा, आप लोग 2 मिनट मिलो, चलो मिलते हैं। तो और वैसे यहाँ पे मैंने डन कर दिया ये भी कर करके, उसके बाद यार देखो सिंपली मैं यहाँ पे थोड़ा सा टॉर्चेस प्लेस कर देता हूँ यार, ताकि अगर रात वगैरह हो तो यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ वगैरह स्पॉन ना हो जाए यार, वरना फिर दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे यार जंप जंप अप करके यहाँ पे आगे चले आते हैं, जंप जंप अप करके। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉर्नर साइड पे आपको किसी भी कॉर्नर साइड पे आना है, यहाँ पे 2 ब्लॉक ऊपर जाना है ऐसे, 1 और 1 2, ये 2 ब्लॉक ऊपर जाना है। उसके बाद आप लोग को ये चारों साइड ऐसे कर देना है, पूरा फुल करना है, ठीक है। आप लोग बीच में कहीं पे गैप वैप मत देना, ऐसे पूरी साइड से कर देना आप लोगों इसको आराम से। तो यार चलो इसको भी पूरी तरह से करते हैं। और हाँ यार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो लोग यार मेरे साथ कोई भी ऑनलाइन गेम खेलना चाहते हो, फ्री फायर से लेकर के पबजी से लेकर के यार आप लोग कोई सा भी ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम मेरे साथ खेलना चाहते हो, तो फटाक से यार डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो और गेम की लिंक भेजो, मैं यार आप लोगों के साथ ज़रूर वो गेम ट्राई करूंगा और वीडियो भी उसके साथ साथ अपलोड करूंगा आप लोगों के साथ। तो मैं यार वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ कि यार आप लोग कमेंट करो मैं आप लोगों के साथ ना खेलूँ, यार ऐसा उस टाइप का नहीं हूँ, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर खेलूँगा। अगर आप लोग माइनक्राफ्ट खेलना चाहते हो तो आप लोग अपने सर्वर में भी मुझे बुला सकते हो, मैं आपके सर्वर में आ जाऊँगा, ठीक है। चलिए यार सबसे पहले यहाँ पे सो करके सुबह कर लेते हैं, उसके बाद यार यहाँ पे हम लोग अपने मॉर्निंग में सारा काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यार गुड मॉर्निंग हो चुका है,
भाई, एक सेकंड, ये पूरा किसने किया भाई? मैंने तो नहीं किया, मैं तो अभी जस्ट सो करके उठा था, पूरा फुल हो गया। खैर यार हमसे क्या मतलब है, तो खाई जान मजाक कर रहा हूँ यार, मैंने किया था। यहाँ पे सबसे पहले देखो ऊपर आना है, उसके बाद आप लोगों को ये जो पूरा रूफ का काम करना है इसको पूरा मतलब रूफ बना देना है, इसको पूरा क्लियर कर देना ऊपर से, ताकि यार ये पूरा पैक हो जाए और नीचे जो यहाँ पे जहाँ पे अभी मैं था खड़ा तो वो पूरा अंधेरा और नीचे ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाए। ठीक है, तो इसको पूरी की तरीके से यार आप लोग को इसको कैप्चर कर देना है, मतलब चारों तरफ से इसको भी पैक कर देना है। तो चलो यार इसको भी पैक कर देते हैं। और यार हाँ, वीडियो के एंड में बने रहना कुछ, यार आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेशल है, क्योंकि थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैं वो भी सुधारते हूँ। तो यार देखो कितने सारे मेरे को यहाँ पे यार एक्सपी मिल रहा है, ज़्यादा आप लोग यार एंड तक रहो, अच्छे से देखो वीडियो, तभी आप लोगों को समझ में आएगी ये एक्सपी फार्म कैसे बनाए। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यार गाइस आज के यहाँ पे अभी सारे के सारे ऊपर रूफ का भी काम हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब यार जो काम है यहाँ पे देखो पूरा रूफ का काम कंप्लीट कर दिया, सबसे पहले यार इसको दो कोबलस्टोन हटा देते हैं। उसके बाद देखो हम लोग यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को सिर्फ यार ये जो साइड आप लोग को ये जो कॉर्नर साइड दिख रहा है जहाँ पे मैं अभी कोबलस्टोन तोड़ रहा हूँ, ये जो साइड है यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी एम कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरे साइड में हम लोग चारों तरफ से यार आप लोग चारों के चारों तरफ से आप लोगों को लगेगा यहाँ पे भाई ट्रैप डोर। ठीक है, तो यार आप लोग कोई भी सिंपल से कोई सा भी ट्रैप डोर लगा सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लगा रहा हूँ वही आप लोग, आप लोग सिंपली कोई सा भी ट्रैपडोर लगा सकते हो। ट्रैपडोर लगने से मतलब है भाई वो जरूरी नहीं है कि भाई आप लोग ट्रैपडोर लगाओ तो जो मैं लगा रहा हूँ वही लगाना, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग जस्ट कोई सा भी पुट कर दो यहाँ पे चलेगा। तो चलिए यार यहाँ पे ट्रैपडोर भी करते हैं। और हाँ यार आप लोग देखो दो बकेट वाटर लेना, तो यहाँ पे वाटर अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेना, ताकि यार आप लोग को बार बार नीचे ना जाना पड़े, तो यहाँ पे कहीं पे भी कॉबल्स ये आप लोग बना सकते हो। ठीक है, वाटर सोर्स वो तो आप लोग को पता ही होगा, दो चार ब्लॉक का ऐसे लेना दो ब्लॉक के पीछे, और ऐसे कॉर्नर साइड से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो फटाक से यार चलो मैं लोग ये भी अभी कंप्लीट कर लेते हैं, फटाक से चारों के चारों साइड से हम लोगों को ये अभी ट्रैप डोर लगाना पड़ेगा। तो चलिए फटाक से ट्रैप डोर को लगा लेते हैं। तो और इतना आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरी की पूरी तरीके से हम लोगों ने हर तरफ चारों को चार तरफ भाई हम लोगों ने ट्रैप डोर लगा दिया, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अब यार काम है यहाँ पे सिंपली पानी डालना हर तरफ तक, तो ऐसे चारों के चारों तरफ हम लोग पानी डालेंगे दो भी दो करके। आप लोग जस्ट देखना कि यार मैं किस टाइप से पानी डालता हूँ, एक इस टाइप से उठा करके पानी डालना और एक इस टाइप से पानी डालना, पानी का फ्लो आप लोग एक बार ज़रूर से चेक कर देना। तो इसको हम लोग चारों तरफ डालेंगे। ठीक है, तो ये देखो आप लोग पानी का फ्लो एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, कि पूरी चारों के चारों तरफ से देखो जा रहा है। ठीक है, मैंने चारों के चार तरफ से अभी पानी को यहाँ पे पूरी तरीके से कर दिया, अभी सभी के सभी जितनी पानी है वो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। अब यार काम करते हैं हम लोग यहाँ पे जो टॉर्चेस हैं वो सारे के सारे टॉर्चेस यहाँ पे से हम लोग लेकर के चलते हैं बाहर की तरफ, ताकि यार यहाँ पे अब ज़ॉम्बीज जो हैं वो स्पॉट होना स्टार्ट हो जाएं। तो देखो वहाँ पे एक कॉर्नर साइड पे मैंने छोड़ दिया था, तो वहाँ पे से जितने भी टॉर्चेस हैं सब लेकर के चलते हैं। तो
और राइट यार यहाँ पे देखो मैंने सारे सारे टॉर्च भी कलेक्ट कर लिए, बस दो ही बचा यार, इसको भी फटाक से क्लियर कर लेते हैं। बस अब देख रहे हो अभी इसको भी क्लियर करना पड़ता है, जितने भी ट्रैप डोर हैं उनका भी तो यूज़ करूँ। सबसे पहले इसको और ये बंद कर दो, उसके बाद फिर ये टॉर्च निकालो और यहाँ से ट्रैप डोर खोलो भाई। सबसे पहले तो ये खोलो और तुम ये खोलो, वरना भाई नीचे गया तो कांड ही हो जाएगा, समझो। ओ भाई ट्रैप डोर कहाँ गया? तो यार ऊपर देखो अभी सबसे पहले फटाक से हम लोग ऊपर आ चुके, तो नीचे हो चुका सारा का सारा काम टम। आप यार आप लोगों को क्या लाना है, जो स्कार्फ फोल्डिंग होता है वो आप लोगों को लाना है लिटरली, ठीक है। तो यार आप लोग देखो एटलीस्ट कितना 80 पीस यहाँ पे लगे, तो आप लोग यार दो स्टैक स्कार्फ फोल्डिंग की रख लेना, और एटलीस्ट आप लोग कॉबल स्टोन के यार मिनिमम 50 स्टैक रख लेना, ठीक है। ट्रैप डोर के भी दो स्टैक रख लेना, वैसे दो स्टैक तो पड़ेगा नहीं, बट आप लोग यार एटलीस्ट अपने हिसाब से रख लेना। मैं वीडियो पे आप लोग को दे दूंगा स्टार्टिंग में ही आप लोगों को मिल जाएगा, तो उसकी दिक्कत नहीं। आप लोग एक बार सही से देख लेना भाई, स्टार्टिंग में दे भी ऑलरेडी है कि आप लोग को क्या क्या सामान चाहिए, कितना कितना तो हो सकता है। तो यार यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक स्कैफोल्डिंग डाला है यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पर आप लोग को भाई 80 हाइट ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जस्ट देखो कि मैं कितना हाइट ऊपर जाता हूँ लेकर के इसको, तो आप लोग जस्ट काउंट करो। तो यार ऊपर आके बाद यहाँ पे अभी सबसे पहले ग्लास का काम करते हैं, और मैंने यार आप लोगों को बोला था कि काउंट करने के लिए, तो आप लोग काउंट नहीं कर पाए क्या? अरे यार कैसे हो भाई, स्पीड में काउंट करना चाहिए तुम लोग, क्या भाई। तो खैर यार मजाक वजाक हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो अभी यार सबसे पहले चलते ग्लास का काम करते हैं। यहाँ पे तो देखो अभी एक ग्लास हम लोगों को नीचे लगाए हैं, अब यार इसके ऊपर भी ग्लास लगाना है, तो देखो फटाक से किस टाइप से हम लोग भी ग्लास आगे लगाते हैं। सबसे पहले दिन हो जाए भाई यहाँ पे 1 2 3, और एक नीचे ऑलरेडी था, तो सबसे पहले फटाक से इसको भी कर लेते हैं। देखो देखो भाई यार मैं आप लोग काउंट करने के लिए बोला था, जस्ट मैंने यार वीडियो को सबसे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मेरे को भी भाई, ऐसे मज़े आते रहते हैं। तो खैर यार जो भी हो सबसे पहले फटाक से चलते हैं। और ये भाई ये जो मैं ऊपर प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ ये 80 हाइट का रहेगा, जो कि यार मेरा AFK रहेगा, तो हम लोग को 5 मिनट का वेट करना है यहाँ पे, ठीक है। 5 मिनट का AFK हम लोग लेंगे, उसके बाद भाई यार अभी चलते सबसे पहले फटाक से नीचे, एक मेरी हाइट थोड़ी सी छोटी पड़ गई, तो यार मैं अभी यार 5 मिनट का AFK लेने वाला हूँ, तो यार AFK मिलने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो ऑलरेडी यार यहाँ पे 5 मिनट का AFK हमारा जो था वो काफ़ी डन हो चुका था। अब मैं चलता हूँ फटाक से नीचे और देखते हैं मॉब कितने सारे आए हैं, ठीक है। अभी तो यार देखो नीचे जाने के बाद मॉब नहीं आएंगे, लेकिन जो AFK होगा तो मॉब आना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं नीचे जाऊँगा तो यार मॉब आने जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखो जैसे कि मैंने बोला था, एक बार ही आप लोग AFK चले जाओगे यार, उसके बाद आप लोग का मॉब ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगा। बट यार देखो मेरी फार्म में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यही मैं बात करने वाला था कि आप लोग का जो फार्म है यार वो मतलब मेरी जो हाइट थी वो कुछ ज़्यादा ही हाइट बड़ी हो गई, तो इसको मैं थोड़ा सा एक हाइट छोटा करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग जैसे यार मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं इस वाले हाइट को छोटा कर दूँ, क्योंकि देखो सारे के सारे जो मॉब्स हैं वो थोड़े से मर जा रहे हैं, बट क्रीपर नहीं मरा क्योंकि वो 24 ब्लॉक का मतलब अपनी हेल्थ झेल लेता है भाई उस टाइप से। तो इसको एक ब्लॉक सिर्फ छोटा करेंगे हम लोग, जो ऊपर का एक ब्लॉक है ना उसको तोड़ करके इसका हाइट बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले यार इसको इस टाइप से कैप्चर कर लेते हैं। अब ये जो हाइट है इसको ऊपर देंगे, जो नीचे जहां पे अपना वो था तो उसको भर करके वापस कर देंगे। तो ऑलरेडी देख चुके हो यहां पे सबसे शानदार लग रहा है भाई। अब देखो यहां पे मॉब की तो कमी होने वाली नहीं, क्योंकि यार मैंने इसकी हाइट जो थी वो अभी हाइट को मैंने कम कर दिया, तो जितने भी मॉब्स आएंगे अभी वो गिरेंगे नहीं भाई, अब वो हमारे चंगुल से बच नहीं सकते अभी। सबसे पहले यहां पे इसकी भाई जो क्या होती है, दिन में जितने भी मॉब्स बचते हैं ना भाई, रात में वो इसके शेड के नीचे आ जाते हैं, वो बच जाते हैं। तो यहां पे देखो कितने सारे मॉब्स अभी आने लगेंगे, क्योंकि यार देखो अभी आप लोग को AFK खड़ा पड़ेगा, तो ऊपर जाकर के बार बार फायदा नहीं है आप लोगों को, वो फर्स्ट टाइम ही करना पड़ता है, या फिर मेरे को वैसा कुछ कंफर्म पता नहीं, जिस टाइप का मेरे को पता हो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट यार आप लोग यहाँ पे इसके जितने भी 128 ब्लॉक्स के अंदर तक आप लोग को रहोगे तो यार ज़ॉम्बीज वगैरह जितने भी मॉब्स हैं वो सब के सब आ जाएंगे। तो एक बार से मैं थोड़ा सा वीडियो को आगे करके दिखाता हूँ भाई। ये देखो जस्ट लिटरली कितने सारे मॉब्स यहाँ पे स्पॉन हो चुके हैं भाई, आप लोगों को लिटरली 30 तुरंत हो जाएगा। तो कुछ शॉर्ट्स क्लिप थे मेरे पास जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यार सबसे पहले यार वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड में आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएगा। तो यार चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।